स्वागत करती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को माँ अशोकपुरी के संकुल के ऑनलाइन टीचर। आज हम कक्षा दसवीं में हिंदी विषय में मेरी माँ का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है रामप्रसाद विश्वनाथ। उसके जीवन परिचय के बारे में देखिए। रामप्रसाद का जन्म शाहजहांपुर के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पिता में रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टाफ बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में दो बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज के प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अपना नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखे रहे, बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के दो दिन पहले जेल में पूरी कर उन्होंने किसी तरह बार पिछवाई, जिसके कुछ अनुश्री गणेश शंकर विद्यार्थि के संपादन में काकोरी के सैयद नाम से छपे। माँ केवल जन्म नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि माँ सिर्फ जन्म ही नहीं देती, लेकिन हमारा व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है, वो आप भी जानते हैं। अपनी आत्मकथा के इन अंश में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिश्नोई अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ का अवर्णनीय योगदान के प्रति नमस्त होते हैं, यानी कि इसके जीवन में जो माँ का योगदान है उस पर वो बहुत ही नमस्त होते हैं। और जन्म जन्मांतर में उन्होंने रूप से अपूर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, यानी कि लेखक को यहाँ पर इसकी माँ के जन्म जन्मांतर तक रूप से अपूर्ण तक की संभावना नहीं दिखाई देती है। अब हम कर का अभ्यास करेंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। लेखक यहाँ क्या बता रहे हैं कि मुझे लखनऊ कांग्रेस में जाने की बहुत बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी मुझे खर्च दे ही दिया, यानी कि जो दादाजी और पिताजी सॉरी दादी जी और पिताजी हैं इसके विरोध थे, और मेरी माता है वो मेरे खर्च के रूप में मदद करती थी। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था, यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं कि उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़ी उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। लेखक क्या बता रहे हैं कि उस समय में सेवा समिति में बड़े सहयोग से मैं मदद कर रहा था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। लेखक क्या बता रहे हैं कि इसी तरह सेवा समिति में मेरे जुड़े होने से यह कार्य मेरे पिताजी और दादाजी को अच्छा नहीं लगता था, किंतु माताजी मेरा उत्साह कम न होने देती थी। लेखक क्या बता रहे हैं कि जो मेरी माताजी है, जो मेरा उत्साह है सेवा समिति में काम करने का, वो कभी तोड़ने नहीं देती थी, जिसके कारण इन्हें अक्सर पिताजी के डांट फटाकर तथा दंड सहन करना पड़ता था। इसके कारण लेखक को क्या दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं, मुझे में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है, यानी कि वो क्या बता रहे हैं कि जो मेरी माताजी तथा गुरु जी मेरे सोमदेव जी हैं उसकी कृपा का यह मेरा परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पाठ चुनने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी है वो मेरे विवाह में बहुत ही अनुरोध करते, लेकिन मेरी माताजी है वो मुझे बता रहे हैं कि आपको पहले पढ़ लिख लो फिर आपका विवाह करवा दूंगी, वो ही उचित माना जाता है।
माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवाने मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करवा लेंगे। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकीलनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरोध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा फाजिल हो जाएगा, किंतु मुझे पर इस कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्तांतर किया, यानी कि लेकर क्या वकील साहब ने मुझे हस्तांतर करने के लिए कहा, लेकिन मेरे कुछ भी इसका प्रभाव नहीं है, यानी कि मेरे पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, न मैंने हस्तांतर भी किया, ऐसा लेखक बता रहे हैं। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण कर रहा था, चाहे कुछ भी हो, चाहे सत्य बात कह देना था, यानी कि लेखक क्या बता रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो चाहे लेकिन मैं सत्य बात ही कहता था। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह करकर शाहजहांपुर आई थी, यानी कि लेखक क्या बता रहा है कि मेरी जो माता जी है वो 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह करकर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह निशांत अशिक्षित एक ब्राह्मण कन्या के समान थी, यानी कि जब मेरी माता जी विवाह करकर आई थी तब वो अनपढ़ थी, यानी कि ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गुरु कार्य की शिक्षा दी, यानी कि जो दादाजी की बहन है उसी ने ही मेरी माता को शिक्षा देने का गुरु कार्य पर शुरू किया था। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी, यानी कि मेरी जो माता जी है वो विवाह करकर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ काम है वो समझ जाती है और करने लगती है। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया, लेकिन लेखक क्या बता रहे कि मेरे जन्म के 5-7 वर्ष होने के बाद उसने हिंदी पढ़ने का शुरू किया और आरंभ अच्छी तरह करना शुरू कर दिया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद भी ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सबकी सहेलियों जो घर पर आया करती थी उन्हीं ने मैं जो शिक्षित थी माता जी ने उनसे अक्सर बोल कर दी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद वो कुछ समय मिल जाता था, उसमें पढ़ना लिखना करती थी, यानी कि जो माता जी को कुछ भी समय मिलता था उसमें जो अपना जो कार्य थे वो पढ़ना लिखना शुरू कर देती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, यानी कि वो मेहनत करने के बाद वो जो देवनागरी की पुस्तक है वो उसका भी अध्ययन करने लगी, यानी कि जो माता जी के अंदर जो पढ़ने का शौक है वो जागृत हो चुका। मेरी बहनों की छोटी आयु में माता जी की दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होता, यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं कि मैं जब आर्य समाज में जो प्रवेश किया तब वार्तालाप खूब होता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार में कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करते हैं। लेखक क्या बता रहे हैं कि मेरी जो माता है वो बहुत ही अच्छी है, जो मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं अपने जीवन में अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ता, दूसरे मनुष्य की तरह वहाँ ही वहाँ रह जाता था। वो अपनी माता को बहुत ही महान मानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आगे का अभ्यास नेक्स्ट